आज से करीब 90 साल पहले एक लड़की नॉर्मल चॉकलेट फ्लेवर कुकीज बना रही थी। ये उसका रोज का काम था, पर उस दिन कुछ खास होने जा रहा था। उस बेकर का नाम था रूथ वेकफील्ड, और उस दिन उसके पास कुकीज बनाने के लिए बेकिंग चॉकलेट नहीं था, तो उसने नॉर्मल चॉकलेट को काट करके बिस्किट डो में मिक्स कर दिया। वो यही समझ रही थी कि ये चॉकलेट भी मिक्स हो जाएगा जैसे रोज होते थे, पर जब कुकीज तैयार हुए तो चॉकलेट बिल्कुल नॉर्मल पड़े हुए थे, जो कुकीज के लुक भी खराब कर रहे थे। वेक ने इनको सेल करने के बजाय अपने कस्टमर्स को फ्री में दे दिए। हैरत अंगेज तौर पे जिन कुकीज़ को वो ख़राब समझ रही थी वो लोगों को बेहद पसंद आए। गलती से बन जाने वाले कुकीज़ आज तक पूरी दुनिया में चॉकलेट चिप कुकीज़ के नाम से मशहूर है। आपका स्ट्रॉबेरी फैक्ट में स्वागत है। नाजरीन, इंसान ऐसी गलती कर बैठता है कि उसको ही नहीं बाकी लोगों को भी उसका फ़ायदा होता है। आज आप ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो गलती से बने थे। नंबर 2, माचिस के इन्वेंट होने से पहले लोग स्टील को एक खास किस्म के पत्थर से घिसते थे जिसको फ्लिंट कहा जाता है। लेकिन 1826 में ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर जो केमिकल मिक्स करके दवाइयाँ बनाते थे, वो मिक्स करने के लिए एक स्टिक का यूज़ करते थे जिन पे केमिकल चिपाए जाया करते। एक दिन वो स्टिक को एक पत्थर से घिस रहे थे कि उस पे केमिकल निकल जाए, पर उसमें आग लग गई। उसी दिन उन्होंने गलती से मैचस्टिक का आविष्कार कर दिया। नंबर 3, पोटैटो चिप्स जो हर ग्रोसरी स्टोर में मिलते हैं और हर देश में खाए जाते हैं, वो भी गलती से इन्वेंट हुए थे। ये बात है 1853 की। न्यूयॉर्क में एक मून्स लेक हाउस नामी एक फेमस रेस्टोरेंट में जॉर्ज क्रम नामी एक शेफ काम करता था। ये फेमस होने के कारण जॉर्ज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हुआ करता, इसलिए वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। एक दिन एक कस्टमर ने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया और जब आया तो कस्टमर ने कहा कि ये क्रिस्पी नहीं है और फिर से बनाने के लिए कहा। ऐसा 2 बार हुआ और तीसरी बार जॉर्ज को गुस्सा आया और उसने आलू को कागज जितने पतले काट दिया और उसे सर्व कर दिया। तब से लेकर आज तक इसे पोटैटो चिप्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, अमेरिकन केमिस्ट डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर जो 3M कंपनी के लिए काम करते थे, वो 1968 में एक ऐसा ग्लू बना रहे थे जो हद से ज़्यादा स्टिकी हो, पर एक्सपेरिमेंट के दौरान जब ग्लू बना तो बिल्कुल अपोजिट, वो इतना ही स्ट्रॉन्ग था कि एक पेपर को चिपका सके। पर डॉक्टर स्पेंसर ने नोटिस किया कि ये ना ही पेपर को ख़राब कर रहा है, ना ही इसको अगर एक जगह से दूसरी जगह पर निकालने पर इसका पावर ख़त्म हो रहा है, और तब से ऑफिस और कॉलेजेस में इसको भरपूर इस्तेमाल किया जाता है और इसे अब पोस्ट इट नोट्स या फिर स्टिकी नोट्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, 1957 में डॉक्टर्स टीबी के लिए दवाई बना रहे थे। वो दवाई तो बन गई पर टीबी के पेशेंट्स पर कुछ खास असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि टीबी का असल मसला तो हल नहीं हो रहा है, पर उनका मूड बड़ा अच्छा हो रहा है। तब से लेकर आज तक उस मेडिसिन को एंटी डिप्रेशन के नाम से सेल किया जाता है। उम्मीद है कि आप स्ट्रॉबेरी फैक्ट के इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।